मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि मैंने आज तक किसी को नहीं किया होगा। तुम्हें पहली बार देखते ही मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरे लिए बनी हो। बेबी, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? हाय। हेलो। तुम्हारी बहन कितनी सुंदर लग रही है ना? याना, जल्दी करो, हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। फिक्र मत करो, हम पहुंच जाएंगे। याना, ये तुम क्या कर रही हो? याना प्लीज, मेरी रिंग मुझे वापस दो। मैंने कहा मेरी रिंग वापस दो। प्लीज आप सब बाहर चलिए, पेशेंट को आराम की जरूरत है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है। मैं याना नहीं हूं, मैं आना हूं, और वो डेनिस नहीं था, वो कौन था? मेरा सर इतना क्यों दर्द कर रहा है? हेलो याना, मैं तुम्हारा प्लास्टिक सर्जन हूँ। मैंने तुम्हारी बहन की सर्जरी की है और अब मैं तुम्हारी सर्जरी भी करूँगा। तुम्हारी बहन को मैंने ठीक कर दिया है और अब मैं वही जादू तुम पर भी करने वाला हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी बहन की तरह बहादुरी दिखाने की ज़रूरत है, तभी मैं सर्जरी कर पाऊँगा। वो प्लास्टिक सर्जन, अपनी जिंदगी में पहली बार सच बोल दो याना। क्या आज तुमने ही आना को सीढ़ियों से धक्का दिया था? मैं ऐसा क्यों करूंगी? अच्छा, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, वो खुद फिसल गई थी, मैंने उसे धक्का नहीं दिया था। अब जो तुम दोनों शादी करने वाले हो तो मैं उसे अपाहिज क्यों बनाऊंगी? अब मुझे उसे कोई खतरा नहीं है, मुझे तो सुकून मिलने वाला है। अच्छा, हाँ हाँ, मुझे खुश देखकर मैं खुश हूँ याना, सच में बहुत खुश हूँ मैं। किसने ये सोचा होगा कि तुम्हारी बीमार मानसिकता, लालच और स्वार्थ की वजह से तुम खुद ही मुझे इतना खुश नसीब बना दोगी? हाँ, मैं एक स्वार्थी इंसान हूँ और मेरा उसूल बस एक ही है कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहना चाहती हूँ। इसीलिए तुम और मैं एक जैसे हैं। हम दोनों का मकसद एक ही है ऑन्ड्रे। डेनिस को हम दोनों पर शक है, उसने तो हमारी जासूसी करने के लिए डिटेक्टिव को भी हायर किया है। याना को तो पूरा यकीन है कि मैंने ही तुम्हारे ऊपर वो हमला करवाया था। तुम बताओगे उसे कैसे पता चला? खैर छोड़ो, शुरू से सब कुछ जानते हो, इसलिए मेरे सामने शराफत और असूलों की बातें मत किया करो। तुम मुझे बेगुनाह साबित करोगे तो आना की नज़रों में तुम्हारी इज्जत बनी रहेगी। अगर तुम वाकई में उसे प्यार करते हो और जिंदगी भर उसके साथ रहना चाहते हो तो चुप रहो। अब वो कैसी है? अभी तक सो रही है, प्लीज उसे जगाना मत। ठीक है।
हूँ।